Well, after understanding the characteristics, we'll again understand few other terms, other important concepts of partnership. The first is, what about registration of partnership firms? Whether registration of partnership firms is compulsory or not? So guys, Indian Partnership Act 1932 has not made it mandatory compulsory. इसका मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. लेकिन बट अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स हैव मेनी डिसएडवांटेजेस. अगर पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट रजिस्टर्ड तो उसको थोड़े डिसएडवांटेजेस है. लाइक इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट so they cannot file a case, you know. So likewise there are so many other disadvantages for unregistered firm. So advisable वही होता है कि registration करवाए. But again registration is not compulsory. Well उसके बाद हमने लिखा है partnership deed that we will take last. सीधा यहाँ से जाते हैं right of partners. कि what are the rights which are available to partners as per partnership act. So few examples I have written that every partner has a right to participate in the business. Of course you can understand this point, every partner has a right ke bhai wo business mein actively participate kar sakta hai. Every partner has a right to be consulted about the affairs of the business. Iska matlab every partner has that right ke pure business ka status, kya activities chal rahi hai उसमें वो कंसल्ट करे, उसको पता होना चाहिए. ही इज टू बी कंसल्टेड ऑल्सो. तो सेकेंड राइट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. थर्ड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हर पार्टनर को ये अधिकार राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो कॉपी भी रख सकता है, सॉरी. फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. मतलब अगर पार्टनर्स नया पार्टनर एडमिट करना चाहे तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ही कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट दैट. एंड आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस टू द अदर पार्टनर्स, एनी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट रिटायर्ड. रिटायरमेंट भी वो ले सकता है. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द राइट ऑफ पार्टनर्स आई हैव डिस्कस्ड. इसके बाद now we will talk about the most important document of the partnership firm, that is partnership deed. Well partnership deed is a written agreement between the partners, aur ye sabse important document banta hai in case of partnership firms. As I told earlier, partnership agreement can be oral but always written agreement is as advisable, and that written agreement is known as partnership deed. So partnership deed mein hota kya hai guys? So all rules and regulations with regard to partners, with regard to provisions of partners, wo sab dete hain wo log partnership deed mein. Pura information. Jaise ke few points I have written here. Description of partners. मतलब पार्टनर के नाम, पार्टनर के एड्रेसेस, एवरीथिंग इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, वो सब देते हैं पार्टनरशिप डीड में. डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, के भाई ये कौन सा बिजनेस है, हाँ, इन विच टाइप दे आर डीलिंग, वो पूरा नेचर ऑफ द बिजनेस यहां पे स्पेसिफाई करते हैं. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल लेके आना है, दैट इज स्पेसिफाइड. उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देगा फर्म, तो दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ
एनी पार्टनर हैज डन एनी ड्रॉइंग्स तो उसपे फर्म इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, दैट इज द रेट, दैट रेट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो स्पेसिफाइड. वेल अगर पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उसपे कितना इंटरेस्ट फर्म देगा पार्टनर को, वो भी यहां स्पेसिफाई करना है. अगर कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन दिए जाने वाला है पार्टनर्स को, इफ एनी सैलरी या रेम्यूनरेशन इज टू बी पेड टू पार्टनर्स, देन दैट इज ऑल्सो टू बी स्पेसिफाइड. तो गाइस पार्टनरशिप डीड में ये सारे पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं पार्टनर्स. इट इज अ रिटन एग्रीमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन या सैलरी टू द पार्टनर्स. वेल वन मोर थिंग, के पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लाना जरूरी नहीं है गाइस, तो वो ध्यान रखो. कि इज देयर अ नेसेसिटी ऑफ कैपिटल टू बिकम अ पार्टनर, तो नो, देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू बिकम अ पार्टनर. इस पे हम डिस्कशन आगे करेंगे. फिलहाल दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जहां पे ये सारी चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए.